नवग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम जब सूर्य के अशुभ लक्षणों की बात करेंगे कि अगर सूर्य जन्म कुंडली के अंदर प्रतिकूल परिणाम दे रहा है तो किस अवस्था में दे रहा है, सबसे पहले उसके कुछ लक्षणों को समझ लेते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का प्रतिकूल परिणाम हमें दिख रहा है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा कि आत्मसम्मान की कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्मबल भी उनका कमजोर देखा जाता है। आत्मसम्मान, आत्मबल की कमी, साथ ही साथ ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सिर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे वो छोटा सा एक सरदर्द की समस्या क्यों ना हो। इससे संबंधित ऊपर के जो चेहरे पर कुछ खास हिस्सा है, जैसे कि बाईं आंख पर सूर्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व होता है, ऐसे में आंखों पर जो है समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। सिर दर्द की जो सिर ज्वर है, सिर वेदना है, या फिर बार बार नेत्रों पर या सिर पर कहीं पर चोट लग जाना, इसकी आशंकाएं बनी रहती हैं जब सूर्य प्रतिकूल परिणाम दे रहे होते हैं। अशुभ सूर्य का एक और प्रभाव जो कि अक्सर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में उसको अनुभव भी किया होगा, जिसका सूर्य जन्म कुंडली में पावरफुल नहीं होता है, बलवान नहीं होता है, ऐसे लोग अपना पूरा जीवन किसी भी कार्य क्षेत्र को दे दें, बात चाहे घर की हो या अपने समुदाय की हो या फिर अपने जहां पर आप कार्यस्थल पर कार्य करते हैं वहां की हो, ऐसे लोगों को ना लोग शाबाशी नहीं देते, कितना बड़ा कार्य कर ले। लेकिन पीठ कोई नहीं थपथपाता, उसका श्रेय उनको नहीं मिल पाता, ये उनके साथ समस्या बनी रहती है। घर में घर वाले उसको उसके कार्य को इंपोर्टेंट नहीं देते हैं, ऑफिस में बॉस नहीं देता है, सहयोगी नहीं दे पाते हैं, इष्ट मित्रगण नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में श्रेय का अभाव बना रहता है, मान सम्मान का वो पूर्ण रूप से मान और सम्मान को प्राप्त करने के लिए तरसता रहता है ऐसे व्यक्ति, अगर सूर्य अशुभ है। और खासकर अगर सूर्य प्रतिकूल परिणाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचने की गुंजाइश बन जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य कर लेता है जिससे उसको कहीं ना कहीं समाज में नीचा झुकना पड़ जाता है या नीचा देखना पड़ जाता है। ये अशुभ सूर्य के कुछ खास लक्षण मैंने आपको बताए। अब हम देखें कि जन्म कुंडली में अगर ये सब स्थितियां बनी हुई हैं तो हमारा सूर्य कहां बैठा हुआ है, इससे पता लगेगा कि सूर्य अनुकूल था या प्रतिकूल था। अगर सूर्य प्रतिकूल है तो उसे हम कैसे जन्म कुंडली के अंदर देखें, या तो सूर्य नीचगत बैठा हुआ है या फिर वो शत्रु के क्षेत्र में जाकर बैठा हुआ है, पाप प्रभाव में पाप राशियों के साथ में बैठा हुआ है, या फिर उनसे कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे में सूर्य जो उसको अपना प्रभाव देना चाहिए वो नहीं दे पाता, जबकि एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि सूर्य वो प्रभावशाली और वो मुख्य प्रधान ग्रह हैं कि जिनके सामने एक निश्चित अंश पर आने से कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन अगर वहीं बात करें कि राहु और केतु की तो ये उसको ग्रहण भी लगा देते हैं। ये नैसर्गिक व्यवस्थाएं हैं, सूर्य ग्रहण जैसा दोष राहु जो है उनको लगा सकता है, तो इसी से निश्चित हो जाता है कि सूर्य जैसे ग्रह का भी शुभ और अशुभ परिणाम व्यक्ति को जीवन में भुगतने पड़ते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें कि सूर्य चाहे वो मेष राशि का ही क्यों ना बैठा हो, उच्च का क्यों ना बैठा हो, क्योंकि एक निश्चित अवधि की बात तो वहां पर भी सामान्य फल देने लगेगा। तो इसलिए जो है शुभ सूर्य का अगर व्यक्ति को अपने जीवन में परिणाम लेना है तो उसके लिए हमें उपाय भी क्या करना है उसकी भी हम लोग साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लक्षण मैंने आपको बताया, अब जन्म कुंडली में हम उसको देखना है और उसके बाद हमें उसका उपाय की ओर बढ़ना है। अगर जन्म कुंडली में मान लो उसकी सूर्य पाप प्रभाव में है तो हमें सूर्य को बलवान करने की आवश्यकता रहती है।
अगर ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं सम्मान का अभाव है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में आत्मबल का अभाव है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं कि जिससे वो व्यक्ति हमेशा व्यथित रहता है। वेद भगवान के विराट पुरुष के रूप में देखा जाए तो सूर्य तो नेत्र है, सूर्य दिखाने का काम करता है, सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य को अस्थि का कारक माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो जो हड्डियों का रोग है या हड्डियों में जो समस्या है, जोड़ों का जो दर्द है, वह भी इसका कारण बन सकता है। और खासकर जिन लोग, जिन माताओं के, जिन भाइयों के, जिनके खासकर जोड़ों में दर्द रहता है, वहां सूर्य और राहु का प्रभाव होता है। ऐसे में उससे संबंधित जो उपाय हैं उसको करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने कुछ खास लक्षण आपको बताए, अब हम बात करेंगे कि उपाय हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज और है, अगर शुभ फल सूर्य दें, मान लो उच्चके होकर बैठ गए, दस अंश तक बैठे हुए कुंडली के अंदर, लग्न में बैठे हुए, या फिर लग्न के साथ ही किसी भी केंद्र में जाकर बैठे, चौथे भाव में बैठ जाएं, सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं, दशम, एक चीज और भी है, लेकिन जहां इनका उन भावों के अंदर कुछ चीजों के लिए वो वृद्धि करेंगे, लेकिन वहीं जैसे दाम्पत्य जीवन की हम बात करेंगे, सप्तम में सूर्य बैठा हो, ऐसे में जब कुंडली मिलान होता है तो उसको फिर हमें प्रॉपर करना पड़ता है, क्योंकि उसके पार्टनर की कुंडली में फिर सूर्य कहां बैठा हुआ है, या उससे संबंधित सप्तम भाव की सुरक्षा कौन सा ग्रह वहां पर करेगा, कौन सप्तमेश को वहां पर देखेगा, वहां पर थोड़ा सा उसकी आवश्यकताएं पड़ती है उसके अनुकूल परिणाम लेने के लिए। तो इसलिए यहां पर विशेष, अगर सूर्य स्वतंत्र रूप से केंद्रीय त्रिकोण के अंदर कहीं बैठे हैं, युति में अगर पाप ग्रह नहीं है और अगर वह शुभ परिणाम अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए उपाय में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू कर देना चाहिए। अगर अपने जीवन में यश चाहते हो, सम्मान चाहते हो, आत्मबल चाहते हो, उन लोगों को यह कार्य जरूर करना चाहिए। उसके बाद माणिक्य पहनने की अगर बात आती है, क्योंकि रत्न की बहुत सारे लोग बात करते हैं कि रत्न हम पहन लें, तो रत्न पहनने के लिए एक बार सूर्य का प्रॉपर अध्ययन करना चाहिए और पूरी कुंडली का एक बार प्रामाण से लेके आप रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ऑप्शनल जैसे हर बार बताता हूं कि रत्न की जगह रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं बिना सलाह के। कौन सा रुद्राक्ष पहनना है? बारामुखी रुद्राक्ष। मसूर की दाल का दान कीजिए, तांबे का दान कीजिए। तांबे में भी अगर आप पूजन के बर्तन दान करते हैं, मंदिर में जाकर करते हैं, किसी ब्राह्मण को पंचपात्र का दान करते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय आपको